बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से? और फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश है। वेलकम टू अजीम 27 रॉ चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल अजीम 27 रॉ को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिल सके। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स ओमान के हवाले से वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं। अपडेट सबसे पहले शुरू करते हैं कोविड-19 के हवाले से। जैसे आप लोग जानते हैं, जो कोरोना की खबरें बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी की है, जैसे पूरी दुनिया के अंदर केसेस की तादाद हाई हो रही है, उसी तरह सल्तनत ओमान के अंदर भी जो केसेस की तादाद है और जो अमवात हैं उसके अंदर खासा इजाफा हो रहा है। तो इस हवाले से आप लोग देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर ये स्टेटमेंट शाया की गई है और इस स्टेटमेंट के मुताबिक बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 823 मरीज ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटलाइज किए गए हैं और इसके अलावा 261 मरीज ऐसे हैं जो कि आईसीयू में दाखिल हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी की बात है। जो आईसीयू के मरीज है वो भी बढ़ रहे हैं और जो हॉस्पिटलाइज पर्सन है डेली बेसिस पे वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर बढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा को, इस वायरस को जल्द अज़ल्द ख़त्म करे ताकि लोगों के मामलाते ज़िंदगी, लोगों की परेशानियाँ वो हल हो सकें। अब बात करते हैं एक और एमओएच यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से स्टेटमेंट शाया की गई। आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर इस स्टेटमेंट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि जो भी वैक्सीन को लेकर आप लोगों ने सवाल जवाब पूछने, वैक्सीन के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो तो हम लोगों ने एक नंबर तश्कील दिया। आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि 1144 यानी कि 1144 पर आप लोग डायल करें और अगर कोई वैक्सीन के मतलब कोई भी आप लोगों ने सवाल जवाब या कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी हो तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर ये स्टेटमेंट शाया की गई है पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से और इसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई भी सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर एक्सपर्ट खारजी जो तंबाकू बेचने का काम करते हैं, वो जो मावा जो आप लोग रखते हैं, वो जो तंबाकू बेचने वाला काम करते हैं, अगर उसको आरोपी पकड़ लेती है तो उसके ऊपर 3,000 रियाल तक के जुर्माने और इसके अलावा जेल भी है। तो इस चैनल के थ्रू आप लोगों को ये कहेंगे कि ये उल्टे पुल्टे काम बिल्कुल ना करें। अब पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक अदालती फैसले में बता दिया गया है कि अगर कोई भी सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर ये मावा, ये तंबाकू बेचने का, टबैको का ये वाले काम करते हैं, ये इल्लीगल है सल्तनत के अंदर, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जुर्माने भी हैं 3,000 रियाल तक के और जेल भी है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कुछ ओमान के मौसमियात के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर ये स्टेटमेंट शाया की गई और इस स्टेटमेंट के मुताबिक बताया गया है कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर इस वक्त गर्मी की लहर बहुत हाई लेवल पे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दफार और अलबस्ता यानी कि सलाल और इसके आसपास के इलाके, अलबस्ता यानी कि दुक्कम और इसके आसपास के इलाकों के अंदर अबर आलूद मौसम हो गया और इसकी वजह से रात के वक्त उन्होंने बताया कि धुंध भी हो सकती है और बादलों की वजह से जो टम्परेचर है वो भी कम हो गया। इसके बरक्स आज गर्मी की लहर बहुत हाई लेवल पर बताई गई है। अदम में हाइएस्ट दर्जा हरारत आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने बताया है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और इसके अलावा कम से कम दर्जा हरारत जबले शम्स में 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं इंडिया के कुछ केसेस के हवाले से और इंडिया की जो केसेस की खबरें बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी की है। आप लोग देख सकते हैं ओमान ऑब्जर्वर और दीगर सोशल मीडिया के ऊपर बताया गया कि हाइएस्ट लेवल के रिकॉर्ड किए गए हैं आज इंडिया के अंदर केसेस। आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान 2,73,810 पर्सन को हुआ कोरोना वायरस और इसके अलावा 1600 से ऊपर की डेथ्स भी हुई है 24 घंटों के दौरान। तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी की बात है कि इंडिया के अंदर जो केसेस की तादाद है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और इसके पेश नजर ही ओमान के जो एमओएच है, ओमान के जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उनकी तरफ से 2-3 दिन पहले ये एक पैगाम दिया गया है आम सिटीजन को कि वो इंडिया जाने से इज्तनाब करें क्योंकि वहाँ पे केसेस की तादाद हाई हो रही है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा को, इस वायरस को जल्द अज जल्द ख़त्म करे ताकि लोगों के मामलाते ज़िंदगी, लोगों की परेशानियां वो हल हो सकें। अब बात करते हैं कुछ ओमान के अंदर वर्कर्स के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर ये स्टेटमेंट शाया की गई है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक बताया गया है कि 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के दरमियान 4 ऐसे वाकयात जो हैं रजिस्टर किए गए हैं ओमान की वर्कर्स फाउंडेशन के अंदर और उन्होंने बताया कि इसके अंदर मजदूरों को तनख्वाह के मामलात और इसके अलावा बगैर तनख्वाह के उन्हें छुट्टी भेजने के मामलात और इसके अलावा उनको उजरत ना देने के मामलात, इस तरह की जो तमाम वाकयात जो होते हैं हमारे लेबर्स के साथ वो जो है दर्ज किए गए हैं और अब ऐसी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, आप लोग देख सकते हैं कि ओमानी फाउंडेशन जो एक बनाई गई है वर्कर्स के लिए, उन्होंने इस तरह की 4 मामलात देखे हैं जो कि सैलरीज नहीं देते हैं वर्कर्स को कंपनियां और इसके अलावा कंपनियां काम करवा लेती हैं, पैसे नहीं देती हैं और जैसे हालात चल रहे हैं उनको जो उनके मुल्कों में भेज रहे हैं बगैर तनख्वाहों के। तो इस तरह के वाकयात रिकॉर्ड किए गए हैं और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी ओमान के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह अपने प्यारे मुशाहिदीन के साथ शेयर करेंगे। वैसे ही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हफाजत करें और रऊफ़ुल अज़ीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।